हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा टेक्नो पॉप 6 प्रो फ़ोन है, तो टेक्नो पॉप 6 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर स्क्रीन रिफ्रेश रेट वगैरह को आप चेंज कैसे कर सकते हैं टेक्नो फ़ोन में, और रिफ्रेश रेट को आप कैसे बदल सकते हैं टेक्नो पॉप 6 प्रो फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि रिफ्रेश रेट को चेंज कैसे करें टेक्नो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं तो आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में रिफ्रेश रेट है, तो रिफ्रेश रेट को आप चेंज कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आपको सर्च करना है रिफ्रेश रेट सेटिंग्स, तो रिफ्रेश रेट सेटिंग्स आ जाएगी जिसके ज़रिए आप रिफ्रेश रेट वगैरह को चेंजेस कर सकते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि इस पे टाइप करना है, जो भी रिफ्रेश रेट आप चेंज करना चाहते हैं या शो करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑन करते रिफ्रेश रेट आपके डिस्प्ले पर शो हो जाता है, जहाँ से आप रिफ्रेश रेट को देख सकते हैं और शो भी कर सकते हैं, और ऑफ़ कर देंगे तो रिफ्रेश रेट को आप शो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने इसको ऑफ़ कर दिया है। तो इस तरीके से भी आप रिफ्रेश रेट को शो कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं टेक्नो पॉप 6 प्रो फ़ोन में। सिंपली अगर आपको रिफ्रेश रेट सेटिंग्स को चेंज करना है तो कर सकते हैं, और आपके फ़ोन में रिफ्रेश रेट आपके फ़ोन में 60 से ज़्यादा रिफ्रेश रेट है तो आप चेंज कर पाएंगे। सिंपली आपके पास डिस्प्ले सेटिंग्स होती है, तो डिस्प्ले सेटिंग्स पर जाकर आप रिफ्रेश रेट को बदल सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। अगर आपके डिस्प्ले पर रिफ्रेश रेट शो हो रहा है तो आप चेंजेस कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आप रिफ्रेश रेट शो होता है तो आप चेंज कर पाएंगे, और शो नहीं हो रहा है तो आप रिफ्रेश रेट को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो रिफ्रेश रेट है 60 Hz में शो हो रहा होगा। और साथ में आप ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑन ऑफ कर सकते हैं, या फिर कीप ऑन ऑफ स्क्रीन को भी ऑन ऑफ करके यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो